नगीना लोकसभा से मुस्लिम समाज ने मन बना लिया है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को संसद में पहुंचाकर ही दम लेंगे। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की आंधी चली हुई है। मैं मानता हूं नगीना लोकसभा सीट से बहुत ही भारी मतों से आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर एडवोकेट जी जीत दर्ज कर रहे हैं। हमारी केतली चलेगी और ऐसी केतली चलेगी कि कमल को पसीने छूट जाएंगे। मुस्लिम समाज की जो आवाज़ उठाने का कोई इस देश में अगर काम कर रहा है तो चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं। तो मुस्लिम और एससी समाज और ओबीसी समाज यहाँ नगीना लोकसभा से एक सुर में चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपनी वोट की चोट से मजबूती देने का काम करेंगे। केतली तो जनता चलाएगी, किसी गठबंधन या ठगबंधन से नहीं चलेगा। जनता से चुनाव होता है, जनता चुनाव जिताने जा रही है। नमस्कार, आदाब। लोकसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है और लगातार तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से इस लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। तो अभी हम उत्तर प्रदेश के नगीना में हैं। नगीना लोकसभा अपने आप में बहुत ही हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि कभी चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर प्रजापति सम्मेलन हुआ, भाईचारा सम्मेलन हुआ। क्या लग रहा है नगीना की जनता, क्या इस बार चंद्रशेखर आज़ाद को अपना सांसद चुन रही है, तमाम इनसे हम बातें करने वाले हैं। लग रहा है सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को वोट दे देगा, इंडिया गठबंधन को, तो कैसे चंद्रशेखर आज़ाद जीतेंगे? आपने देखा होगा पिछली विधानसभा में मुस्लिम समाज ने, मैं मानता हूँ 99% वोट समाजवादी को देने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो अब की बार नगीना लोकसभा से मुस्लिम समाज ने मन बना लिया है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को संसद में पहुंचाकर ही दम लेंगे। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की आंधी चली हुई है। मैं मानता हूँ नगीना लोकसभा सीट से बहुत ही भारी मतों से आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर एडवोकेट जी जीत दर्ज कर रहे हैं। तो आप लोग संकल्प, मुस्लिम समाज संकल्प ले लिया है नहीं? मुस्लिम समाज संकल्पबद्ध है। हाँ। मुस्लिम समाज इस बार चंद्रशेखर आज़ाद जी को ही वोट देने का काम करेगा। आखिर क्यों चंद्रशेखर आज़ाद संसद बहुत पहुंचना क्यों जरूरी है? हिंदुस्तान का, मैं मानता हूं हिंदुस्तान का कोई ऐसा नेता नहीं जो संसद में जाकर SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों की आवाज़ उठा सके। जिस दिन चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद में पहुंचने का काम करेंगे, आप देखेंगे इतिहास में किसी ने इस तरह से बोलने का काम नहीं किया जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी अपनी बात को रखने का काम करेंगे। बाबा जी, क्या लग रहा है इस बार आप लोग नगीना से किसको सांसद देखना चाहते हैं? भाई, नगीना से तो हम भाई जी चंद्रशेखर जी को देखना चाहते हैं सांसद। हाँ। कि कम से कम वो जो है एक इंजन की तरह वहाँ पहुँच तो जाएँ। हाँ। तो पहले उनको हम देखना चाहते हैं। आखिर क्यों उनको सांसद बनाना चाहते हैं आप लोग? इसलिए हम बनाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ जो है समाज नीति, यहाँ जो है मानव समाज के लिए चार नीतियाँ काम करती हैं। हाँ। धर्म नीति, समाज नीति, राजनीति, अर्थ नीति। हाँ। तो जब कांशीराम साहब आए 1970-80 के दशक में। हाँ। तो उस टाइम धर्म डाउन हुआ। हाँ। उस टाइम लोगों को लगा, एहसास हुआ, ब्राह्मण पहली बार यहाँ अपने को असहाय महसूस किया। इसके बाद समाज नीति लागू हुई, आज अर्थ नीति लागू है, धर्म की फिर से बाढ़ आ गई है। इसलिए आज अगर युवा शक्ति जुड़ी थी किसी समय पर तो कांशीराम के साथ जुड़ी थी, आज जुड़ी है क्योंकि विकल्प के तौर पर आज चंद्रशेखर जी को देखना चाहते हैं। सारी शक्ति युवा शक्ति उनके साथ जुड़ गई है। ठीक, फिर बात करेंगे, रुके रहिएगा। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल दिख रहा है नगीना लोकसभा का? माहौल सही है, चंद्रशेखर जी के पक्ष में है माहौल। हाँ। और इनकी विचारधारा बहुत अच्छी है। हाँ। युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं। सब सही है। अच्छा, तो लग रहा है चंद्रशेखर आज़ाद जीतेंगे? जी जी, निकलेगी सीट। अच्छा, क्या कह रहे हैं चचा, आ गया ये थोड़ा सा, क्या लग रहा है, क्या माहौल है नगीना का? बहुत बढ़िया वाला। हमारी तो धामपुर में प्रचार साइकिल चल रही, गांव गांव में, शहर शहर में, नगीना तलक में। और भाई को कह दिया हमने कि भाई आप इतने वोट से जीत के आ रहे हैं, इन BJP वालों को दिख जाएगा। और दूसरी बात, इधर। इन लोगों ने हिंदू मुसलमान की जो दरार डाली है बीच में। हाँ। अच्छा, दूसरी बात, एक भाई से मिलने जा रिया है। हाँ। उससे वादा कर दिया। हाँ। फिर वादे को तोड़ दिया। हाँ। तो ऐसे कार्यकर्ता को उतार रहा है जो कि BJP को फायदा पहुंचा रहे हैं लोग। हाँ। तो एक ऐसा मैदान में कंट्रीब्यूट उतरा है, उसी आदमी को अगर ले करके चल दे
भाई कंधे से कंधा मिला करके, तो मैं यूँ कहूँ कि भाई को किसी चीज की किसी बात की कोई नहीं रहनी। क्या क्या लग रहा है नगीना में क्या होगा, कमल खिलेगा या केतली चलेगा? हमारी केतली चलेगी और ऐसी केतली चलेगी कि कमल को पसीने छूटेंगे सिर्फ भाजपा को। हमें भाजपा को हराना। चंद्रशेखर से इतनी मोहब्बत क्यों है आपको? हमें इतनी मोहब्बत ये है, एक ऐसा साथी उतरा है मैदान में जो कि एक गरीब सेवा को लेकर चल लिया है दोनों प्रकार को। साइकिल का पंचर हो गया, पंचर हो गया और केतली सब में चल गई, केतली चल गई। हम बता रहे हैं इतने बोर्ड लेके आ रहे हैं हमारे चंद्रशेखर आजाद के, ये देखते रह जाएंगे भाजपा वाले। क्या लग रहा है आप लोग मुस्लिम समाज तो साइकिल को वोट करते हैं ना? हम साइकिल के आदमी नहीं है, हम भाई चंद्रशेखर के आदमी हैं। अगर साइकिल वाले चंद्रशेखर जैसा आदमी हो जाते हैं ना, तो जनता दूसरे आदमी को नहीं चुनती। अब चंद्रशेखर आजाद जी को क्यों चुना जा रहा है? इन लोगों ने तो यू ही दिखाया कैसे किसी तरह बीजेपी को हटाओ, समझे? हमें बीजेपी को हटाना, बस भाई चंद्रशेखर आजाद जी को कामयाब बनाना है हमें, बस फुल बहुमत से। कौन आ रहा है नगीना सीट से? भाई चंद्रशेखर आजाद जी। क्या लग रहा है सर इस बार नगीना लोकसभा से क्या होने जा रहा है? चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव जीतने जा रहे हैं इंशाल्लाह। इस बार केतली का परचम लहराने जा रहा है। तो चंद्रशेखर आजाद को क्यों जिताना चाहते हैं आप लोग? भाई उनका संघर्ष, उनकी मेहनत, उनकी लगन, सब कुछ, उनकी जो है हिम्मत वाले बंदे हैं, इसलिए सारी जनता उनके साथ जुड़ चुकी है। वो तो कह रहे हैं कि केतली उतली नहीं चलेगा यहाँ। केतली तो जनता चलाएगी, किसी गठबंधन या ठगबंधन से नहीं चलेगा। जनता से चुनाव होता है, जनता चुनाव जिताने जा रही है। हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं भैया से। क्या माहौल दिख रहा है सर? माहौल बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। केतली का माहौल है, सब जानते हैं यहाँ पर और सब कोई, हर कोई सपोर्ट कर रहा है भाई को। आज यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रजाविधि समाज ने समर्थन दिया है भाई को। बहुत अच्छा मामला चल रहा है केतली का और भाई संसद में जाने वाले हैं बहुत। बीआर दस्तक पप्पू टाइम्स। सर क्या लग रहा है नगीना में चुनाव होने वाला, अगला सांसद किसको देखना चाहते हैं आप लोग? देखिए इस बार नगीना लोकसभा सीट से बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जिस तरह से मैं मानता हूँ इस देश में और जिस तरह से आए दिन इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों पर अत्याचार बढ़ रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल है। जहां बहन बेटियों के सम्मान की बात आती है, जहां नौजवानों के सम्मान की बात आती है, वहां बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी अपनी बात को पूरी दमदार तरीके से रखने का और मनवाने का काम करते हैं। तो इंडिया गठबंधन से तो गठबंधन नहीं हुआ चंद्रशेखर जी का, कैसे लड़ेंगे चुनाव? देखिए कैसे जीतेंगे चुनाव? जिस तरह से आपने देखा होगा नगीना लोकसभा में भारी तादाद में यहाँ से SC समाज और मुस्लिम समाज की भागीदारी है, तो मैं मानता हूँ मुस्लिम समाज की जो आवाज़ उठाने का कोई इस देश में अगर काम कर रहा है तो चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं। तो मुस्लिम और SC समाज और OBC समाज यहाँ नगीना लोकसभा से एक सुर में चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपनी वोट की चोट से मजबूती देने का काम करेंगे। अच्छा फिर बात करें, क्या लग रहा है सर अगला सांसद कौन बनेगा नगीना से? भाई का समर्थन करने पहुंचे सहारनपुर से, ठीक है। और भाई का जो प्यार देख के लोगों की जनता का, जिस तरह भाई को सब प्यार जता रहे हैं, भाई के साथ में मिलकर चल रहे हैं कंधा से कंधा मिलाकर, तो शायद ऊपर वाले ने, गुरु महाराज ने चाहा तो भाई सक्सेस अपने मकसद में नगीना विधानसभा को जीत कर रहे हैं लोकसभा से। लोकसभा आप लोग चाह रहे हैं चंद्रशेखर जी सांसद बने? जी बिल्कुल।